देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए विस्तार से आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैनपुरी में चल रहा खुलेआम जुआ। जी हां, मैनपुरी के थाना बेवर में खुलेआम हो रहा है जुआ और सट्टा। फिर भी इस पर पुलिस व प्रशासन मौन। पुलिस सट्टा व जुआ के खिलाफ अभियान चला रही है, फिर भी यह खेल नहीं थम रहा है। इसमें पुलिस व प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। मैनपुरी से हमारे संवाददाता मोहित तिवारी की। यहाँ बैठे तो भैया ने साठ जगह मिले थे। अलीगढ़ में चोरी व लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, अलीगढ़ के इंग्लास कोतवाली के गुरई पुलिस चौकी मार्केट में 2010 से चोरी व लूट में वांछित चल रहे अजीत निवासी हरजी बास को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के साथ आरोपी ने की अभद्रता तो पुलिस ने लाठी डंडों से उसे पीटा। पुलिस के आला अधिकारी जांच का हवाला दे रही है, लेकिन इस घटना पर आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता शब्बन सलमानी की रिपोर्ट। वायरल हो रहा है कि अजीत की किसी पुलिस वालों ने पिटाई की है कस्बा गोरी में, क्या है मामला? हो रहा है सर, वीडियो वायरल हो रहा है। अजीत मेरा भतीजा है, मेरे बच्चों को दवाई दिलाने के लिए गोरी लाया था और वहाँ गोरी लाया तो उसके वारंट चल रहे थे तो दीपावली बाद लैंड रोवर नहीं कह रहा था। आगे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, गाई ग्लोज की और मारपीट की बहुत तंगड़ी। और उसने बोला अजीत ने कि भाई ये मेरे चाचा के बच्चे हैं, मैं इनको घर छोड़ देता हूँ, छोटे बच्चे हैं पाँच पाँच छः छः साल के। तो लेकिन मानी नहीं पुलिस और बेरहमी से उन्हें बहुत ही पीटा और ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? कार्रवाई की जाए पुलिस वालों, हम चाहते हैं कि इतनी बेरहमी से इतनी बेइज्जती करना ऐसा उनके लिए स्वाभाविक नहीं है जी। और जनता ने भी उन्हें थोड़ा बचाव करने की कोशिश की तो जनता को भी गाली गलौज की पुलिस वालों ने। क्या नाम है आपका? कारी सिंह नाम है सर मेरा। प्रयागराज की एक दुर्घटना में 5 घायल, 1 की हुई मृत्यु। जी हां, प्रयागराज के मांडा में वैगनार व ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में 5 घायल, 1 की मृत्यु हो गई। दीघिया चौकी अंतर्गत बमनी ग्राम सभा के सामने प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर वैगनार एवं ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, घायलों को मांडा सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक थाना मांडा भरत कुमार, चौकी प्रभारी शंभुनाथ साहनी आदि लोग पहुंचे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कृष्णकांत के मीडिया वाले आएगा भाई, मीडिया वाले हैं, देखना ही है। प्रयागराज में गंगा विचार मंच। जी हां, प्रयागराज में जलपुरुष श्री चंदन लहरी का बलुआ घाट से विदाई कोलकाता पश्चिम बंगाल नौकायान से करते हुए प्रांत संयोजक राज महिला आयोग सदस्य श्रीमती अनामिका चौधरी, श्री नरेंद्र सिंह गौर, 137 बटालियन के श्री SPS सिंधु, प्रांत सह संयोजक श्री संतोष मिश्रा, कैप्टन श्री सुनील चौधरी आदि सभी गंगा विचार मंच के पहले उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की यात्रा कर रहे हैं, बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, हरिद्वार से बिहार तो आगे है, तो हरिद्वार से निकले थे, गंगा यात्रा ही समझ लो। और ये एडवेंचर तो एक पहलू है इसका, दूसरा पहलू जो है कि ये नमामि गंगे की तरफ से समाज की निर्माण करने जा रहे हैं, जानबूझ के नहीं, कहीं न कहीं अज्ञानता बस। हरिद्वार से कोलकाता तक वो पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो ईंधन देता है, आज हम उसी को काट काट के बड़े बड़े घाट, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े शहर बनाते जा रहे हैं। सराहनीय है, लेकिन ये हम भूल गए, बहुत बहादुरी और साहस का काम किया है कि जब पेड़ नहीं रहेगा हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर शुद्ध नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। जब आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपका सामाजिक स्वरूप भी बीमार हो जाएगा। जो ये काम किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई, सबको सबको जरूर, नगर निगम, जल निगम के कर्मचारी इतने सालों से सफल हो, निष्क्रिय हो गए हैं, विचार मंच
अब आगे अब वाली भाषा नहीं बोलेंगे। प्रयागराज ने अब वो उनका स्वागत किया, हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। नगर निगम उनका यमुना घूम रहे हो, यहाँ समारोह कुछ लोग करते क्या है, गंगा से आस पास की सफाई करके कूड़े को भी नदी किनारे फेंक भाग जाते हैं। रोकना है उसको, क्योंकि इस कूड़े को नदी के तट पे आपको नहीं डालना, नदी के तट के कूड़ा को उठा के आप यमुना के लिए स्वच्छता और डंपिंग वहाँ ले जाइए। काम करते रहे लोगों, आप अक्सर देखे होंगे यहाँ से थोड़ी दूर जहाँ सन्नाटा है आस पास के जो कूड़ा ठेला वाले आगे न जाना पड़े, आगे जाके गिरा के भाग जाए। पर्यावरण ये कभी आप देखिए तोड़ दीजिए का बहिष्कार, दूसरा प्रयोग इस प्रयागराज में ना हो। अभी हम आगे देख रहे हैं जागरूक कर रही है, कचड़े यहाँ रखे हैं उसमें लोग आग लगा दे रहे हैं, लोगों को बैग वितरण भी कर रही है, कूड़े में प्लास्टिक में कभी प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल बंद करिए। जितना नुकसान बीमारियां होती है ऐसे प्लास्टिक करता है, जला देने से सौ गुना उसका नुकसान बढ़ जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए सौ गुना बढ़ जाता है, आसपास के सारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। शहर शहर जिले जिले जाके गंगा विचार मंच साथियों आज हम गंगा विचार मंच कहाँ तक है चंदन लहरी जी, अभी वो यहाँ से लेकर बनारस जाएंगे, बनारस से होते हुए फिर जाएंगे पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल लास्ट उनका समापन वहीं पे है। और उन्होंने कल कुछ अपनी बातों को भी गंगा विचार मंच के बैनर तले बताया कि हम लोग ने पूछा क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा या क्या दिक्कतें आई, तो उन्होंने बताया कि मैं जब नाव लेकर निकला तो बहुत ज़्यादा अब गहरापन नहीं रह गया है, ज़्यादा मिट्टी आ गई है, रेत आ गई है, जिससे हमारा नाव उसमें आकर फंस गया, तो मुझे अकेले उस नाव को और जल में ले जाना पड़ा। तो इससे यह पता चलता है कि अधिक से अधिक पेड़ कट रहे हैं, बारिश हो रही, उसका सीधा पानी मिट्टी को रेत को लेते हुए यमुना नदी में गंगा नदी में आ रहा है, जिससे पानी का गहरापन समाप्त हो रहा है। प्रयागराज में पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी का 50वां जन्म दिवस, जी हां प्रयागराज में पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी का 50वां जन्म दिवस समारोह राजर्षि मणप्पम में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय राजनाथ सिंह, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय लालजी टंडन, महामहिम राज्यपाल बिहार, विशिष्ट अतिथि माननीय केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय और कैबिनेट मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह, जिन्होंने नीतियों से कभी समझौता नहीं किया, जिन्होंने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया, और साथ ही साथ छह छह किताबें ग्रंथ छोड़ के जा रहे हैं, न जाने कितने थे जो जब वार्ड में न जाने कितने लीगल इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा परिवार आप जानते हैं, आपको पूरी तरह से आपको अपना भाई मानता है, बड़ा मानता है, आपका आशीर्वाद हम सब पर बरकरार रहे और ईश्वर का आशीर्वाद आप पर रहे। इन शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने प्रयागराज का सम्मान बढ़ाया है ऐसे और भी आगे बढ़ता रहे, हम और भी ऊंचे पदों पर आपको जाते हुए देखें। धन्यवाद, जय हिंद। पूर्व न्यायाधीश आदरणीय गिरिधर मालवीय जी और हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केवल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में ही संबोधित नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं विरले ऐसे व्यक्तित्व होते हैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, जिन्हें सहज रूप से मन स्वीकार करता है कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी और बहुत ही सुलझे, और जिनको सामान्यतः इस उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता अपने संरक्षक के रूप में स्वीकार करता है, क्या जिनके रूप में स्वीकार करता है, और इसमें पश्चिम बंगाल राज्यपाल के रूप में अपनी बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय लालजी टंडन और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी,
और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह और आपके ही लोकप्रिय सांसद श्री श्यामाचरण जी गुप्त नागेंद्र पटेल जी सांसद और पूर्व न्यायाधीश सकाराम जी यादव यहां पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित महिला धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी इस जन्म दिवस के समारोह के अवसर पर उन्हें तो शुभकामनाएं मैं दूंगा लेकिन सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित आप सभी बहनों भाइयों का भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जन्म दिवस समारोह के अवसर पर मौजूद हैं, इसका मतलब कि आप सबके हृदय आदरणीय त्रिपाठी जी के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा का भाव सम्मान का भाव इसमें ही भाव जरूर होगा। और मैं देखा हूं जब से मैं बैठा हूं यहां पर कोई व्यक्ति जो सभागार में बैठा है वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। सामान्यतः जन्म दिवस समारोह के अवसर पर मैं देखता हूं कि थोड़े समय के लिए लोग आते हैं और 5-10 मिनट के अंदर ही औपचारिकता पूरी करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि त्रिपाठी जी को शुभकामनाएं जो मैं बात करूंगा उनको शुभकामना देने वालों का ही पहले मुझे अभिनंदन करना चाहिए। इसीलिए मैंने आप सब आगे खबरों का सिलसिला फास्ट न्यूज पर इसी तरह जारी रहेगा लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।